हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनआर इंजीनियरिंग। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ यह है एक रिटेनिंग वॉल का। हम रोड साइड में जो कि सोइल सपोर्टिंग के लिए एक रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन की है, जो कि रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रिटेनिंग वॉल का जो वर्क रहता है वो क्या रहता है कि जो कि दोनों तरफ से हार्ड स्ट्रेटा सोइल जो रहती है उसका एक्टिव पैसिव प्रेशर जो रहता है उसको बैलेंस बना के रखती है। अभी तो जैसे कि इसमें स्टील बाइंड अप हो चुका है, मैं आपको इसमें बिगनिंग से बताऊंगा कि कहाँ से हमने एक्सेवेशन लिया, कहाँ से लाइन ड्रॉ करी। ये अभी हम हमारा जो रोड है, मेन रोड है, इसको हम वाइड कर रहे हैं, थोड़ा इसको चौड़ा कर रहे हैं जिससे कि ट्रैफिक इजी गुजर सके। रिटेनिंग वॉल इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ये आप जो लेवल देख रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग एरिया, लैंड का एरिया जो कि लेवल है उसका लेवल और मेन रोड का लेवल अप डाउन है, और जो कि शोल्डर्स पे हम जो सोइल फील करते हैं वो ऑटोमेटिकली एक अपना एंगल बना लेती है। उस एंगल को कट करते हुए उसको रोकने के लिए हमें रिटेनिंग वॉल की ज़रूरत रहती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल और रोड लेवल में काफ़ी अप डाउन है, तो उसके सपोर्टिंग, सोइल सपोर्टिंग के लिए हम ये रिटेनिंग वॉल कास्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी लेवर RCC पोल्स निकाल कर एक तरफ रख रही है, जो कि बाउंड्री पर थे, एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड के कॉर्नर्स पर बाउंड्री पर लगे हुए थे, उनको सेफली निकाल कर एक तरफ रख रही है। उसमें बारबेड वायर भी था जो कि वो रिमूव कर चुके हैं हम। साथ में आप देख रहे हैं कितना शार्प और क्लीन एक्सेवेशन चल रहा है JCB की मदद से। ये जो कि पोल्स हैं, RCC पोल्स हैं, ये फार्मिंग लैंड पर्सन कहीं ना कहीं वापस से रीयूज़ कर सकता है, इसलिए सेफली रिमूव करके साइड में रख रहे हैं। साथ में ही आप ये हमारी मेन रोड देख रहे हैं, मेन गेट के फ्रंट से हमने अभी एक्सकर्शन स्टार्ट किया है। ये हमारा Day 1 का प्रोग्रेस है, जो कि वहाँ से एक्सकर्शन करते हुए हम यहाँ तक आ चुके हैं। ये टोटल रिटेनिंग वॉल जो कि है 140 रनिंग मीटर है टोटली, और अभी आप देख रहे हैं कुछ पोर्शन और इतना ही हाफ हमारा बचा हुआ है एक्सकर्शन के लिए। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप एक्सकर्शन देख रहे हैं कितना शार्प और क्लीन विद लाइन लेवल एक्सकर्शन होता जा रहा है। वर्किंग Day 2 पर आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आज कोस्टिंग करना चालू हो चुके हैं, मिक्सर मशीन लगी हुई है। अभी हम आज Day 2 में हम PCC करेंगे। जनरली PCC M7.5 या M10 M15 से करते हैं, हम यहाँ पर PCC कर रहे हैं आज के दिन। जैसे कि आप देख रहे हैं मिक्सर मशीन लगा हुआ है, साथ में ट्रॉली भी है जिसमें हम मटेरियल डंप करेंगे और वहाँ से एक पर्सन उस ट्रॉली को धकेलते हुए ले जाते हुए डायरेक्ट डंप करेगा PCC के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं दूर से मैंने कैप्चर किया है, वहाँ से उसने कंक्रीट उस ट्रॉली में रखी, अब वो पर्सन ट्रॉली लेते हुए आएगा मेन रोड पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम PCC करेंगे, करीबन आज हमारी प्रोग्रेस रहेगी कि हम 100 रनिंग मीटर से ज़्यादा PCC करें। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रॉली के थ्रू हमने नीचे एक स्लोप करके स्लाइडिंग बनाई है, उसमें डायरेक्ट हम एक ट्रॉली से दूसरे ट्रॉली में कंक्रीट पुटअप करते हैं, फिर दूसरी ट्रॉली वाला यहाँ पर काम चालू है, वहाँ पर हमारा वहाँ कंक्रीट पुटअप करता है। ये हमने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है काम, स्टार्टिंग से ये है हमारा, वो काम करते करते अप टू हम इवनिंग तक आप देख सकते हैं हमने कितना कवर कर लिया है। ये इवनिंग का काम आपको शो हो रहा है। जल्द ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपके लिए लाऊंगा इसका बार बाइंडिंग शेड्यूल्स, स्टील बाइंडिंग, साथ में ही उसका हम राफ्ट कास्टिंग करेंगे, बेस जो कि फाउंडेशन का कास्ट है वो करेंगे, वर्टिकल बार भी बांधेंगे, उसमें मेन और डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा। सभी एडवांटेज ऑफ रिटेनिंग वॉल मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।